हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फिलेट वेल्ड साइज इन वेल्डिंग पोजीशन के बारे में। फिलेट वेल्ड साइज इन वेल्डिंग पोजीशन। तो फिलेट वेल्ड क्या होता है? फिलेट वेल्ड एक वेल्डिंग का प्रकार है। फिलेट वेल्ड ट्राइंगल यानी के त्रिभुज क्रॉस सेक्शन में होता है, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो। दो प्लेटों के या दो सतहों को एक दूसरे के राइट एंगल पर जोड़ा जाता है, इसलिए इसे फिलेट वेल कहा जाता है। फिलेट जॉइंट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है टी जॉइंट, दूसरा होता है लैप जॉइंट और तीसरा होता है कॉर्नर जॉइंट। इन जॉइंटों की दो सतहों को एक दूसरे के, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, एक दूसरे के राइट एंगल पर जोड़ा जाता है, इसलिए इसे फिलेट जॉइंट कहा जाता है। लेफ्ट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ये तीनों जॉइंटों को फिलेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इन जॉइंटों में वेल्डिंग ट्राइंगल क्रॉस सेक्शन में होता है, इसलिए इस जॉइंटों के वेल्डिंग को फिलेट वेल्ड कहा जाता है। फिलेट वेल्ड साइज। फिलेट वेल्ड साइज को लेग लेंथ से नापा जाता है, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो। जहां पर मैंने एल दिया हुआ है उसे लेग लेंथ कहा जाता है और जहां पर टी दिया हुआ है वो प्लेट थिकनेस होती है। फिलेट वेल्ड साइज को लेग लेंथ से नापा जाता है, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो। रूट से टो की बीच की दूरी के अंतर को लेग लेंथ कहा जाता है। लेग लेंथ को यहां पर L1 और L2 दो लेग लेंथ हैं। लेग लेंथ को क्रॉस सेक्शन में जोड़ने से फिलेट बनता है। फिलेट वेल्ड में लेग लेंथ दो साइड में होती है। एक होती है L1 यानी के वर्टिकल लेग लेंथ, रूट से टो तक की दूरी को वर्टिकल लेग लेंथ, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लेग लेंथ यानी के रूट से दूसरे टो की दूरी तक की लेंथ को लेग लेंथ कहा जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ द वेल्ड और टाइप्स ऑफ वेल के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। फुल स्ट्रेंथ फिलेट वेल यानी कि फुल स्ट्रेंथ फिलेट वेल बनाने के लिए ये जरूरी है कि लेग लेंथ साइज को जानना और लेग लेंथ साइज को जानने के लिए W=3/4 टी का सूत्र का यूज करके फुल स्ट्रेंथ वेल बना सकते हैं। फुल स्ट्रेंथ वेल बनाने के लिए यहां पर मैंने दो एग्जांपल दिए हुए हैं। W4 होता है लेग साइज और T4 होता है प्लेट थिकनेस। एग्जांपल, लेग साइज यानी के फिलेट साइज जानने के लिए लेग साइज =3/4×10 यानी के जो 10 है वो प्लेट की थिकनेस है और इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लेग साइज बनती है 7.5 mm यानी के फिलेट वेल की 10 mm थिकनेस के लिए हॉरिजॉन्टल लेग साइज 7.5 mm और वर्टिकल लेग साइज
7.5 mm होनी चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल है लेग साइज, यानी कि 20 mm प्लेट थिकनेस के लिए लेग साइज जानने के लिए 3/4 मल्टीप्लाई बाई 20। तो 3/4 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो आंसर यानी कि लेग साइज बनती है 15 mm। तो 20 mm प्लेट थिकनेस के लिए वर्टिकल लेग लेंथ 15 mm होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल लेग लेंथ 15 mm होनी चाहिए। इसी तरह फुल स्ट्रेंथ वेल बनाने के लिए प्लेट थिकनेस के आधार से कितनी लेग साइज यानी कि फिलेट वेल बन सकता है उसका टेबल यहां पर मैंने दिया हुआ है। यह सूत्र का यूज करके प्लेट थिकनेस के आधार से फिलेट लेग साइज जान सकते हैं, जैसे कि 6.4 mm के लिए 4.8 mm फिलेट वेल बना सकते हैं, 7.9 mm के लिए 6.4 mm का फिलेट वेल बना सकते हैं, 9.5 mm के लिए 7.9 mm की फिलेट वेल बना सकते हैं। यानी कि फिलेट वेल की जो दो लेग लेंथ मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया उस तरह लेग लेंथ निकाल सकते हैं। इस तरह इस टेबल में जैसे कि 25.4 mm के लिए उसकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेग लेंथ 19 mm होनी चाहिए फुल स्ट्रेंथ वेल के लिए। इसी तरह 50.8 mm के लिए लेग लेंथ यानी कि फिलेट वेल की साइज है वो 38.1 mm होनी चाहिए। इस टेबल में आप देख सकते हो वेल्डिंग की चार पोजीशनों में फिलेट वेल कैसे बनाया जाता है और कितने वेल्डिंग रन लगाए जाते हैं यानी कि कितने वेल्डिंग पासिस लगाए जाते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो फिलेट साइज 6.4 mm फिलेट साइज के लिए फ्लैट यानी कि डाउन एंड पोजीशन में 1F पोजीशन में E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से एक पास में 6.4 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन 2F के लिए 6.4 mm का फिलेट साइज बनाने के लिए E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से एक पास में 6.4 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं। वर्टिकल पोजीशन अपवर्ड के लिए यानी के नीचे से ऊपर के लिए 3F पोजीशन के लिए 6.4 mm का फिलेट साइज बनाने के लिए E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से एक पास में 6.4 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और ओवरहेड पोजीशन के लिए 4F ओवरहेड पोजीशन के लिए 6.4 mm का फिलेट साइज बनाने के लिए E6010 डायमीटर 5 mm इलेक्ट्रोड से तीन पास में 6.4 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से 6.4 mm की फिलेट साइज तीन पास में बना सकते हैं और उसके बाद 12.7 यानी के 12.7 फिलेट साइज बनाने के लिए फ्लैट और डाउन एंड पोजीशन में E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से दो पास में 12.7 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए 12.7 mm की फिलेट साइज बनाने के लिए E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से तीन पास में 12.7 mm की फिलेट साइज बना सकते हैं।
12.7 mm के लिए वर्टिकल अपवर्ड 3A पोजीशन में E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से दो पास में 12.7 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और 12.7 mm के लिए ओवरहेड पोजीशन 4F के लिए E6010 डायमीटर 5 mm इलेक्ट्रोड से चार पास में 12.7 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं और E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से चार पास में 12.7 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं। अब 19 mm के लिए 19 mm फिलेट साइज बनाने के लिए फ्लैट और डाउन एंड पोजीशन के लिए E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से चार पासिस में, जैसे कि आप यहां देख सकते हो 1 2 3 4 फोर पासिस में 19 mm की फिलेट साइज बना सकते हो। 19 mm का फिलेट साइज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाने के लिए E7024 डायमीटर 6 mm इलेक्ट्रोड से छह पासिस में, यानी कि 6 पासिस में 19 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं। 19 mm का फिलेट साइज वर्टिकल पोजीशन अपवर्ड के लिए E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से 5 पासिस से 19 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं 5 पासिस में। 19 mm फिलेट साइज के लिए ओवरहेड पोजीशन में E6010 डायमीटर 5 mm इलेक्ट्रोड से 6 पासिस में 19 mm की फिलेट साइज बना सकते हैं और E7018 डायमीटर 4 mm इलेक्ट्रोड से 6 पासिस में 19 mm का फिलेट साइज बना सकते हैं। यानी कि सभी वेल्डिंग पोजीशनों में फिलेट साइज कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मल्टीपास वेल्डिंग में वेल्ड मेटल और संबंधित हीट इफेक्टेड जोन यानी के गर्मी प्रभावित क्षेत्र को डिपॉजिट वेल्ड मेटल के क्रमिक जमाव से बार बार थर्मल साइकिलिंग यानी के ठंडा गर्म करना के अधीन मल्टीपास वेल्डिंग किया जाता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मल्टीपास वेल्डिंग की बीड कैसे लगाई जाती है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो फर्स्ट बीड और उसके बाद फर्स्ट बीड के सेंटर में सेकंड बीड, फिर ऊपर थर्ड बीड। इसी तरह कि अगर ज्यादा बीड माने लगानी है यानी कि ज्यादा पासिस माने लगाने हैं तो इस तरह पहले फर्स्ट बीड, फिर सेकंड, फिर ऊपर थर्ड, पर फिर नीचे फोर्थ, फिर फोर्थ के ऊपर फाइव्थ, फाइव्थ के ऊपर सिक्स। ओवरहेड पोजीशन में जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो ओवरहेड पोजीशन में ये फर्स्ट बीड, फिर नीचे की प्लेट में सेकंड और ऊपर वाली प्लेट में थर्ड। ओवरहेड पोजीशन में फोर बीड के लिए पहले फर्स्ट, फिर नीचे वाली प्लेट में सेकंड, ऊपर वाली प्लेट में थर्ड और बीच में फोर्थ। और इसी तरह सिक्स बीड के लिए फर्स्ट बीच में, फिर सेकंड इस वाली प्लेट में और थर्ड ऊपर वाली प्लेट में और बीच में यानी टू और तीन के बीच में फोर्थ पासिस यानी कि फोर्थ रन होगा और फाइव्थ में नीचे, सिक्स ऊपर और सेवन बीच में। इस तरह मल्टीपास वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।